योगी जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस संगम में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको रात में 21 बार पढ़ने से सुबह उठते से ही आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी, आपको नींद भी काफी अच्छी आएगी, किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का भय आपको रात को नहीं सताएगा और सुबह उठते से ही आपको काफी अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तो ऐसा कौन सा मंत्र है इस अंक में हम देखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत का देवनी। दोस्तों, किसी भी घटना का कुछ न कुछ ज्योतिषी कारण अवश्य होता है। यदि आपको नींद नहीं आ रही है या फिर रात में डरावने सपने आते हैं, किसी प्रकार के आपको टेंशन रहती है, चिंता रहती है, परेशानी रहती है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इसको करने के बाद आप देखें कि 2-3 दिन के बाद में आपको नींद भी काफी अच्छी आने लग जाएगी। इसके अलावा आपको सुबह उठकर काफी एनर्जेटिक महसूस आप करेंगे, काफी ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, ये इस मंत्र का प्रभाव है। तो नींद न आने का ज्योतिष कारण ये होता है कि आपकी कुंडली में 6वें, 8वें या 12वें घर के संबंधित जो ग्रह होते हैं उनकी या तो अंतरदशा चलती है या प्रत्यंतर दशा चलती है, महादशा चलती है, तो फिर नींद न आने का कारण उत्पन्न होता है। या फिर 6वें, 8वें या 12वें घर के अंदर जो दुष्ट ग्रह होते हैं, जैसे राहु है या फिर केतु है या फिर शनि है या सूर्य है या फिर मंगल है, तो जब इनका गोचर होता है तब भी नींद न आने का कारण यहाँ पर बनता है। लेकिन प्रमुख रूप से इसका जो उत्तरदायी होता है वो शनि और राहु के ऊपर होता है। राहु यदि कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें भाव में चलता है तो नींद बिल्कुल भी नहीं आती है और नींद न आने के कारण से अनिद्रा के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। कुल मिलाकर जब राहु या फिर आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो राहु का ही रूप माना जाता है, तो राहु जब प्रबल होता है या फिर राहु के कारण से हमको नींद नहीं आती है, चंद्रमा क्योंकि वहां पर दूषित हो जाता है, चंद्रमा जिनका अच्छा होता है, जिनका स्ट्रांग होता है, उनको नींद ना आने की समस्या नहीं होती है, उनको काफी अच्छी नींद आती है और उनको कोई चिंता भी नहीं होती है। लेकिन राहु के कारण आपकी चिंता बढ़ सकती है, तो इस अंक में अब हम देखेंगे कि इसका कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको नींद आने की समस्या है या फिर आपको डर लगा रहता है तो इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप दक्षिण की ओर पैर करके, सॉरी, क्योंकि दक्षिण की जो दिशा है वो यम की दिशा मानी जाती है और शारीरिक संरचना के हिसाब से भी दक्षिण की ओर पैर करके सोना ठीक नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच चलने वाले जो चुंबकीय तरंगे हैं उनको बाधित करता है। इस कारण से नींद ना आने की एक समस्या ये भी हो सकती है, तो आप दक्षिण की ओर पैर करके कभी न सोएं। दोस्तों, इसका दूसरा उपाय ये है कि यदि आपको नींद नहीं आती या फिर आपके डरावने सपने आते हैं या फिर किसी प्रकार की चिंता लगी रहती है तो आप अपने सर के सिरहाने एक तांबे का लोटा लीजिए और उसके अंदर पानी भर के रख दीजिए और सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करने के बाद में उसका जो जल है वो तुलसी जी को चढ़ा दीजिए या फिर आप पीपल में भी चढ़ा सकते हैं। जैसा आप 8-10 दिन तक करेंगे तो धीरे धीरे समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको आप रात को सोते समय यदि 21 बार पढ़ेंगे तो आपकी जो नींद आने की वो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप जब सुबह उठेंगे तो आपको काफी एनर्जी महसूस होगी, काफी ऊर्जा महसूस होगी और आपको कुछ ना कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, वो मंत्र आप ध्यान से सुनिए। वो मंत्र जो भारत का पहला शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ, उनसे संबंधित है। उसका कारण यह है कि जो सोमनाथ शिवलिंग है वो चंद्रमा के द्वारा तपस्या कर स्थापित किया गया है। उसके आप कहानी जानते हैं कि चंद्रमा को श्राप मिला हुआ था और उसने शिवलिंग की स्थापना करी थी सोमनाथ मंदिर के वहां पर। तो ये जो मंत्र है ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से ही संबंधित है। तो कुंडली में यदि आपका चंद्रमा दूषित चल रहा है तो आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का एक मंत्र आपको बताया जा रहा है, आपको वो पढ़ना है 21 बार। उत्तर दिशा की ओर पढ़ना है मुंह करके या फिर आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ सकते हैं या फिर उत्तर पश्चिम की ओर आप मुंह करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोने से पहले आपको पढ़ना है और आप जो आपका जो पूजन का घर है वहां पर खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं या फिर आप छत पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, बेडरूम में इस मंत्र को नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, सोमनाथ भगवान का वो मंत्र है, ओम श्री सोमनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम श्री सोमनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार पाठ करना है कम से कम और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपकी जितनी भी चिंता है वो समाप्त करें और उसके बाद में आपको सो जाना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन होने लग जाएगा और आपको जो नींद की समस्या थी वो समाप्त हो जाएगी
सुबह उठकर आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार रहेगा और कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको सुबह मिलेगी, लेकिन ये एक बार में नहीं होगा, आपको इसका निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी नींद न आने की समस्या से मुक्ति के लिए छोटे से उपाय से संबंधित वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।